हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सनफ्लावर कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। सनफ्लावर को हम सूरजमुखी या सूर्यफूल भी कहते हैं। इस फूल की शुरुआत मैंने पफ स्टिच से की है और इसकी पेटल्स को मैंने डबल क्रोशे स्टिच से बनाया है। हम इसे सेंटर पीस, शो पीस, टेबल मैट या फिर कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 4-ply में ब्राउन और येलो कलर की वुल दोनों 50-50 ग्राम्स ली हैं। हम अपनी पसंद के कोई भी दो कलर्स ले सकते हैं। क्रोशे का 3.50 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। तो आइए शुरू करते हैं। सनफ्लावर के लिए हम ब्राउन धागा लेंगे। यहाँ पर ऊन पतला है इसलिए हम डबल धागा लेंगे। सबसे पहले हम इस ब्राउन धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 6 chain बनाएंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसके बाद ये जो पहली और छठवीं चेन है इन्हें हम स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ ये छोटी रिंग तैयार हो गई है। अब इस सनफ्लावर पैटर्न में हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो पफ स्टिच के लिए हम ये जो लूप है इसे बड़ा बनाएंगे और इस रिंग में से 3 times हम धागे को निकालेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। अब हमारे क्रोशे के हुक पर टोटल 7 लूप्स हैं। अब हम धागे को हुक पर लेकर इन सभी 7 लूप्स में से निकालते हुए इसे एक लूप बना लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला पफ स्टिच बन गया। पफ स्टिच के बाद हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से इसी रिंग में एक और पफ स्टिच बनाएंगे। इस फर्स्ट राउंड में हमें टोटल 6 पफ स्टिच बनाने हैं और बीच में एक एक चेन बनानी है। तो अब ये इस तरह से ये दूसरा पफ स्टिच, अब एक चेन। तो यहाँ पर अब मैं इस फर्स्ट राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में ये एक चेन बनाने के बाद हम ये जो पहली पफ स्टिच है इसकी स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए हम इस एक चेन को ज्वाइन कर लेंगे। इस राउंड में हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पफ स्टिच और बीच में एक एक चेन बनाई है। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले हम ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक हम 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस सनफ्लावर पैटर्न में हमें हमेशा राउंड शुरू करने के समय एक चेन की स्पेस तक स्लिप स्टिच बनाना है। अब हम इस लूप को बड़ा बनाएंगे। इस सेकेंड राउंड में हम हर एक चेन की स्पेस में एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला पफ स्टिच बन गया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसी एक चेन की स्पेस में हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। तो अब ये यहाँ पर हमारा दूसरा पफ स्टिच भी बन गया। एक चेन से इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें इसी पैटर्न को इस पूरे सेकेंड राउंड में कंप्लीट करना है। अब यहाँ अगली एक चेन की स्पेस में हम फिर से एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये पहला पफ स्टिच, अब फिर से हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमने टोटल 6 पफ स्टिच बनाए हैं, तो इस सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल 12 पफ स्टिच बन जाएंगे। मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में ये एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाने के बाद हम ये जो पहली पफ स्टिच है इसकी स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। थर्ड राउंड में हम सबसे पहले ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर इस थर्ड राउंड में हम ये जो एक चेन की स्पेस है इसमें एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ये हमारा पहला पफ स्टिच। अब हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगली स्पेस है दो पफ स्टिच के बीच की इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब हम अगली एक चेन की स्पेस में एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे और इसके बाद की स्पेस में हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। मैंने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में हम ये पफ स्टिच बनाने के बाद ये जो पहली पफ स्टिच की स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे। फोर्थ राउंड में हम ये जो अगली एक चेन की स्पेस है यहाँ तक 1 स्लिप स्टिच बनाएंगे।
अब यहाँ पर हम फिर से इसी एक चेन की स्पेस में एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे और इसके बाद की स्पेसेस में एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब इस एक चेन की स्पेस में हम एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच बनाएंगे। अब एक चेन और फिर से इसी स्पेस में एक पफ स्टिच, ये इस तरह से। अब इसके बाद ये जो अगली स्पेस है इसमें हम एक एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो इस पहली स्पेस में एक पफ स्टिच, अब इसके बाद की स्पेस में फिर से एक पफ स्टिच। हमें इसी पैटर्न को इस फोर्थ राउंड में रिपीट करना है, ये इस तरह से। मैंने इस फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में ये जो लास्ट स्टिच है हम इसे इस पहली पफ स्टिच की स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह से। फिफ्थ राउंड के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। ये हमारा ब्राउन धागे से लास्ट राउंड है। इस राउंड में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पहली पफ स्टिच है इसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब अगली एक चेन की स्पेस में हम दो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब अगली पफ स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद की स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। अब हम इसी पैटर्न को इस पूरे फिफ्थ राउंड में रिपीट करेंगे। हर पफ स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे और ये स्पेस में एक सिंगल क्रोशे और एक चेन की स्पेस में दो सिंगल क्रोशे। तो अब मैं इस फिफ्थ राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने फिफ्थ राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर अब सबसे लास्ट में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके बाद के राउंड को हम येलो धागे से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम येलो धागे को स्विच करेंगे। यहाँ पर भी मैंने डबल धागा लिया है। अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इनमें से येलो धागे को निकालेंगे और इस तरह से हम येलो धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद के सिक्स्थ राउंड को हम येलो धागे से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इस ब्राउन धागे को काट लेंगे। अब यहाँ पर इस राउंड में हमें येलो धागे से पेटल्स बनानी है। तो पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम छः चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब यहाँ पर हमें डबल ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाना है। डबल ट्रेबल क्रोशे के लिए वैसे तो हम 5 चेन लेते हैं लेकिन यहाँ पर हमने 6 चेन ली हैं क्योंकि यहाँ पर हम अलग तरीके से डबल ट्रेबल क्रोशे को बनाएंगे। अब सबसे पहले हम धागे को पहले लूप में से एक बार निकालेंगे। अब धागे को फिर से अगले दो लूप्स में से निकालेंगे। अब फिर से अगले दो लूप्स में से धागे को तीसरी बार निकालेंगे। फिर से अगले दो लूप्स में से धागे को चौथी बार निकालेंगे और सबसे लास्ट में ये दो लूप्स में से पाँचवीं बार इस धागे को निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा बड़ा डबल ट्रेबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम तीन चेन बनाएंगे। इस तीन चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर पेटल के लिए हमें ये जो डबल ट्रेबल क्रोशे की स्पेस है हमें इस स्पेस में टोटल 13 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। तीन चेन मिलाकर पहला डबल क्रोशे बन गया है। तो यहाँ पर अब हम इसी स्पेस में 12 और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। मैंने 13 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम ये जो अगली स्टिच है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये इस अगली स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद की स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पहली स्टिच में हमने पेटल को बना लिया, दूसरी स्टिच में स्लिप स्टिच और तीसरी स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे स्टिच को बनाया है। अब इसके बाद हम इसी स्टिच में फिर से 6 चेन बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम डबल ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। इस डबल ट्रेबल की स्पेस में हमें टोटल 13 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो अब मैं इस सेकंड पेटल को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस दूसरी पेटल को भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 13 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो अगली स्टिच है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके बाद की स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे,
तो अब हम इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। मैंने सभी पेटल्स बना ली हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में इस लास्ट पेटल को बनाने के बाद अब हम ये जो अगली स्टिच है इसमें हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से, और इसके बाद ये जो पहली स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद हमें सभी पेटल्स को अरेंज करना है, तो इसके लिए ये जो हमने सबसे पहले 6 चेन बनाई हैं हम इस स्पेस में 5 बार सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम सभी पेटल्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेटल है इसे हम इस सेकेंड पेटल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो हमने सेकेंड पेटल में डबल ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाया है तो इसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशे से इस फर्स्ट पेटल को ज्वाइन करेंगे। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इस थर्ड पेटल को इस सेकेंड पेटल के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 चेन इस फोर्थ पेटल को सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। अब फिर से 3 चेन इस फिफ्थ पेटल को सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 चेन इसके बाद की पेटल को ज्वाइन करेंगे। हमें इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करना है। मैंने सभी पेटल्स को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस लास्ट पेटल को फर्स्ट पेटल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, ये 1, 2 और ये 3। और ये जो फर्स्ट पेटल है इसमें हमने ये जो 5 सिंगल क्रोशे बनाए हैं तो इसी स्टिच में हम सिंगल क्रोशे से इस 3 की चेन को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट और लास्ट पेटल ज्वाइन हो गई हैं। हमारा सनफ्लावर तैयार है। अब यहाँ पर हम इस येलो धागे को काट लेंगे। और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब ये जो बचे हुए धागे हैं इन्हें हम सिल लेंगे। हमारा सनफ्लावर तैयार है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ये एक बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है और बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। साथ ही में इस पैटर्न से हम अपनी चॉइस के कलर्स में भी इस फूल को बना सकते हैं।